321 मार्क्स मिले हैं फर्स्ट डिवीजन क्यू में। लेट से ही आया लेकिन अच्छा आया। अभी तो नेट बहुत स्लो चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां मतलब इसका रिजल्ट नहीं निकला है। जरूर आ जाएगा। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। सबको अल्लाह अच्छे रिजल्ट से पास करवाएं। आप फर्स्ट डिवीजन की हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत डर पहले लग रहा था लेकिन अब रिजल्ट आ गया तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ फर्स्ट डिवीजन की है। आपका नाम? उज्मा। किस स्कूल से हैं आप? प्लस टू गर्ल्स हाई स्कूल। रिजल्ट आया आपका? हाँ आया मेरा रिजल्ट। क्या डिवीजन है? फर्स्ट डिवीजन है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फीलिंग कर रहे हैं। जितना सोचे थे उसका उससे लेकिन थोड़ा कम है लेकिन तब पर भी जैसा रिजल्ट आया तब पर भी अच्छा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है फर्स्ट डिवीजन सुन के। लेकिन थोड़ा नंबर हम जो सोचे थे थोड़ा आगे लेकिन उससे थोड़ा बहुत कम आया। कितना मार्क्स आया आपको? मेरा मार्क्स अभी तो देखे रिजल्ट 308 आया लेकिन जो उससे मेरा दोस्त था कि नहीं थी लगभग 400 के करीब ऐसे आता। किस स्कूल से हैं आप? अम्बेडकर आवासीय विद्यालय रामपुर फरीदगंज प्लस टू। नाम बताइए। अमृत कुमार ऋषि देव। अररिया के पेंशनर समाज भवन में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अररिया की एक बैठक बुलाई गई जिसमें जिले के सभी प्रखंडों की समस्या को सुनने के बाद समस्या का समाधान करने के लिए सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी की अध्यक्ष श्री एम ए मुइज को चुना गया। वही प्रधान सचिव के पद पर राजीव जी का चयन किया गया है। चुनावों के बाद सभी को शपथ दिलाई गई एवं ईमानदारी से काम करने का वचन लिया गया। इस फैसले का सभी ने ताली बजाकर स्वागत किया है। राजीव जी को हम लोगों ने बनाया है। ये सचिव हुए आज हमारे सचिव भी हुए। उनकी मांगों को हम लोगों ने बनाया वो मन माने गए हैं और हम उनकी बात नहीं सारा हाउस दोनों ये है पूरे हाउस को हमेशा के द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद और प्रधान सचिव के पद के लिए जो नाम पेश किया गया है मैं अध्यक्ष के लिए मेरे मोहम्मद आला मखदूम मुजीब साहब का नाम पेश किया गया जिसको आओ ताली बजा करके समर्थन करेंगे दोबारा। ये आज राम सचिव के लिए श्री राजीव जी का नाम पेश किया गया। श्री राजीव जी प्रधान सचिव के रूप में सर्वसम्मति से चयनित हुए। आज मैं दोनों को ईश्वर के नाम पर अल्लाह के नाम पर ये शपथ दिलाता हूँ कि आप शपथ लें कि मैं निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा और आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता है मैं आपके अपेक्षा के पैमाने पर खड़ा उतरूंगा। मुझे जो आज इस मजलिस में अनेक लोगों के बीच में सभी ब्लॉक से आए हुए प्रखंड के ब्लॉक के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं महासचिव साहब मैं तुमके प्रदान करवाना चाहता हूँ इसके लिए जोरदार ताली। मन तो मेरा नहीं करता थोड़ा पकड़ के अब मैं सभी प्रखंड